नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा YouTube चैनल टेक बाजार पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको BSNL की तरफ से लॉन्च किए गए दो ऐसे बेहतरीन रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर BSNL के कस्टमर्स को बहुत ही कम रिचार्ज में अपनी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखने का मौका मिल जाएगा। और साथ ही BSNL के वो कस्टमर जो अपने BSNL की सिम पर ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी BSNL एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन दोनों ही प्लान को डिटेल में। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं BSNL के उन कस्टमर्स के बारे में जो अपनी BSNL की सिम पर ज़्यादा इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए BSNL ने लॉन्च किया है 288 रुपीज़ का इंटरनेट प्लान, जिनमें BSNL के कस्टमर्स को टोटल 120 GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ में। इसका मतलब है BSNL के कस्टमर्स को रोज़ाना करीब 2 GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा 60 दिनों तक। इसके बाद करते हैं दोस्तों BSNL के उन कस्टमर्स के बारे में जो अपनी BSNL की सिम पर कम रिचार्ज करवा के अपनी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखना चाहते हैं। तो BSNL ऐसे कस्टमर्स के लिए लाया है अपना 91 रुपीज़ का रिचार्ज। इसमें BSNL के कस्टमर्स को पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगी। साथ ही इसमें जो कॉल चार्जेस रहेगी वो रहेगी 15 पैसे पर मिनट के हिसाब से आपका जो है वो कॉल चार्जेस इसमें कटेगा। साथ ही इसमें अगर आप डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 पैसे पर 1 MB डेटा इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 10 रुपये में आप करीब 1 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बात करें SMS की तो यहाँ पर आपको 25 पैसे में 1 SMS इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये प्लान BSNL के उन कस्टमर्स के लिए बेस्ट है जो कम रिचार्ज करवा कर अपनी BSNL की सिम को लंबे समय तक चालू रखना चाहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों जो 91 रुपीज़ वाला पैक है वो BSNL के एक्टिव कस्टमर और BSNL के वो कस्टमर्स जिनका सिम अभी ग्रेस पीरियड 1 में है वही करवा सकते हैं। अगर आपका सिम अभी ग्रेस पीरियड 2 में आ गया है तब आप इस 91 रुपीज़ के जो रिचार्ज है उसे अपनी BSNL की सिम पर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जिन कस्टमर्स का सिम अभी ग्रेस पीरियड 2 में चल रहा है उन्हें कम से कम 107 रुपये का रिचार्ज अपनी BSNL की सिम पर करवाना होगा अपनी सिम को दोबारा से एक्टिव करवाने के लिए। तो अगर आपकी सिम अभी ग्रेस पीरियड 1 में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये 91 रुपीज़ का रिचार्ज करवा के अपनी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखने का। दोस्तों अगर आपको जानना है कि आपकी सिम अभी एक्टिव है या फिर ग्रेस पीरियड 1 में है या फिर ग्रेस पीरियड 2 में है तो आप सिंपली अपने मोबाइल से डायल करिए *123*1#। ये नंबर डायल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिम अभी किस पीरियड में चल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।